अस्सलाम वालेकुम। आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 123 प्रॉपर्टी का जो है केस लगा हुआ था, उसी के साथ साथ जो कल यानी कि परसों जो एलएनडीओ ने बंगाली मार्केट के अंदर जो एक मस्जिद को दीवार को गैर कानून तरीके से तोड़ा था, उसका भी एक केस लगा था, क्योंकि वो मस्जिद भी 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। आज हमारी तरफ से जो है स्टैंडिंग काउंसिल वजी शफीक साहब और सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा साहब पेश हुए थे। जस्टिस मनोज ओहरी जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनके यहां एक मुकदमा लगा हुआ था और आज उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को और एलएनडीओ को यह कहा कि जब मैं 123 प्रॉपर्टी के केस को सुन रहा हूं तो फिर आपने इस तरह की हरकत क्यों की, वहां जाकर दीवार क्यों तोड़ी, और साथ साथ ये भी हिदायत दी और ढाट और फटकार लगाई कि आइंदा इस तरह का कोई भी हरकत ना हो, किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना हो। अगली समाअत जो है वो जो है ट्यूसडे, आने वाले ट्यूसडे में है, तब तक के लिए तमाम प्रॉपर्टीज को उन्होंने कहा है कि आज के बाद इस तरह की कोई हरकत ना हो। और साथ साथ ये भी कहा कि जो आपको एफिडेविट सबमिट करना था जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर 123 प्रॉपर्टी में, वो आपने अभी तक सबमिट नहीं कहा किया, तो आज उनका जो वकील था केंद्र सरकार का, यूनियन ऑफ इंडिया का, उसने कहा कि हम अभी सबमिट कर देते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान के लिए, खासकर दिल्ली के लिए, ये एक बड़ी खुशखबरी है कि ये जो बंगाली मार्केट के अंदर गैर कानूनी तरीके से ताकत के दम पर जो उन्होंने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था, आज उसमें हाईकोर्ट ने इनको डांट और फटकार लगाई और ये भी कहा कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत दोबारा ना हो। शुक्रिया। चल लिया था वक्फ बोर्ड का मुकदमा चल लिया था, हालांकि तीन दिन बाद तारीख है इसकी, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। जो कानूनी बातें बाकायदा लगाते के जाते हैं कि भाई हम तोड़ने आ रहे हैं, वो कुछ नहीं करा। हमें 6 बजे इन्फॉर्मेशन आई कि भाई ये यहाँ तोड़ने आ रहे हैं सारा, तो यहाँ किसी को घुसने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया और इन्होंने तोड़ा ताड़ी शुरू कर दी। हमारे यहाँ बच्चे यहाँ पे सो रहे थे, आपको पता है कि यहाँ पर जो लोहे के जो बेड होते हैं सोने के सारे, वो उस तक निकालने नहीं दिए इन्होंने, सारे तोड़ ताड़ के एक तरफ कर दिए सारे। आपत्ति यही कि तो बिल्कुल नाजायज़ हुआ है काम, आपत्ति यही है कि बगैर नोटिस के सारे काम हो रहे हैं। रजिस्टर है हमारे पास, सारे प्रूफ हैं। क्या नाम, किस नाम से? अभी थोड़ा बता दीजिए डिटेल से। ये तकरीबन 250 साल पुरानी है, कोई खान साहब थे उनके नाम की है, तकरीबन 250 साल से, और हम तो यहाँ से 20-25 साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं बच्चों की। ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके ना माँ है ना बाप है, बेचारे यहाँ पर, उनको यहाँ पर सारी फैसिलिटी देते हैं और यहाँ पे एजुकेशन भी दे रहे हैं, मदरसा भी है साथ में, सब माशाल्लाह यहाँ पर आराम से सब कुछ हो रहा था। ये एकदम इन्होंने पता नहीं क्या करा है, समझ में नहीं आया बात। अच्छा, इलीगल काम करा है इन्होंने सारा। तो क्या, अस्सलाम वालेकुम। आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर 123 प्रॉपर्टी का जो है केस लगा हुआ था, उसी के साथ साथ जो कल यानी कि परसों जो एलएनडीओ ने बंगाली मार्केट के अंदर जो एक मस्जिद को दीवार को गैर कानून तरीके से तोड़ा था, उसका भी एक केस लगा था, क्योंकि वो मस्जिद भी 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। आज हमारी तरफ से जो है स्टैंडिंग काउंसिल वजी शफीक साहब और सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा साहब पेश हुए थे। जस्टिस मनोज ओहरी जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनके यहां एक मुकदमा लगा हुआ था और आज उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को और एलएनडीओ को यह कहा कि जब मैं 123 प्रॉपर्टी के केस को सुन रहा हूं तो फिर आपने इस तरह की हरकत क्यों की, वहां जाकर दीवार क्यों तोड़ी, और साथ साथ ये भी हिदायत दी और ढाट और फटकार लगाई कि आइंदा इस तरह का कोई भी हरकत ना हो, किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना हो। अगली समाअत जो है वो जो है ट्यूसडे, आने वाले ट्यूसडे में है, तब तक के लिए तमाम प्रॉपर्टीज को उन्होंने कहा है कि आज के बाद इस तरह की कोई हरकत ना हो। और साथ साथ ये भी कहा कि जो आपको एफिडेविट सबमिट करना था जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर 123 प्रॉपर्टी में, वो आपने अभी तक सबमिट नहीं किया, तो आज उनका जो वकील था केंद्र सरकार का, यूनियन ऑफ इंडिया का, उसने कहा कि हम अभी सबमिट कर देते हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान के लिए, खासकर दिल्ली के लिए, ये एक बड़ी खुशखबरी है कि ये जो बंगाली मार्केट के अंदर गैर कानूनी तरीके से ताकत के दम पर जो उन्होंने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था, आज उसमें हाईकोर्ट ने इनको डांट और फटकार लगाई और ये भी कहा कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत दोबारा ना हो। शुक्रिया।